एक बार मेरी बात सुनो। स्वागत है। टाइम इधर देखे जाए तो अभी बज रहे 11:15। आज है 10 फरवरी और ट्यूजडे, सॉरी थर्सडे, और आज है टेडी डे, वैलेंटाइन डे का, वैलेंटाइन वीक का एक और डे आज है टेडी डे। तो आज खाना देखिए, आज खाना मस्त वाला बना है, आलू गोभी की सब्जी है। मैं गोभी नहीं खाता हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये देखिए सब्जी, आलू और गोभी की सब्जी है, और साथ में यहाँ पे है राइस, ठीक है ना, सब में चावल है। और मम्मा जॉब पे जा चुकी हैं, पापा भी अपने काम पे जा चुके हैं, और मेरा टेस्ट था पंजाबी का। मैं आपको दिखाता हूँ मैं पंजाबी का जो हमारा टेस्ट होता है वो कैसे होता है। मेरी नोटबुक, और ये देखिए ये है पंजाबी का टेस्ट, ये देखिए, ठीक है ना। तो पंजाबी का टेस्ट भी मैं हो चुका है, उसके बाद आज कोई भी क्लासेस नहीं थी, आज सिर्फ एक टेस्ट था और आज कोई भी क्लासेस नहीं है, मजा आ गया। अभी जल्दी से चलते हैं, खाना खा लेते हैं, और आज शाम में मेरे को जाना है मामा के पास, बिकॉज मेरे को लानी है वहाँ से अपनी साइकिल। फ्रेंड्स यहाँ पे गुरुद्वारा में कुछ हो रहा है, किसी की शादी है शायद से, ये देखिए, हाँ किसी की शादी है। मैं यहीं से मुबारका कर रहा हूँ, मुबारका मुबारका। तो फ्रेंड्स अभी अच्छा चलो बंद हो गया, एक्चुअली मैं पीछे गाने बजा रहा था, बोर हो रहा था घर पे, ठीक है ना, और साइकिल भी है नहीं। मैंने सोचा साइकिल की मेरे पास दूसरी चाबी है तो मैं जाके ले आऊँगा, लेकिन नहीं, मामा ने घर के अंदर साइकिल पार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँ, अब जब तक मामा नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जा सकता। चलिए कुछ नहीं होता, साइकिल लेने चलेंगे आज, लेकिन और अभी तक अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। अभी मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही है, तो काम करते हैं एक ऑमलेट बना लेते हैं खाने के लिए, ठीक है ना, खाते हैं। और फ्रेंड्स मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ और साइकिल है नहीं, मन करता साइकिलिंग करने का, चलिए थोड़ा सा पार्क में चल के एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। और हाँ मामा भी थोड़ी देर तक आएंगे, ठीक है ना, अभी उन्हें किसी काम से जाना है कहीं पे, ठीक है ना, तो इसलिए अभी वो वहाँ पे जा रहे हैं, उसके बाद फिर जब आएंगे ना फिर हम करेंगे मस्ती। तो थोड़ा उस पार्क में चलते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं घर पर, ठीक है ना। 1 घंटा उन्हें और लगेगा अभी आने में, तो 1 घंटे तक, आधे घंटे तक हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर आधे घंटे हम लोग घर चलेंगे आधे घंटे बाद, ठीक है ना। यहाँ पे शाम हो चुकी है, अब रात होने वाली है थोड़ी देर में, 7:30 हो रहे हैं, और अभी मामा आके अपने जैकेट उतार रहे हैं, मामा की हालत ख़राब हुई पड़ी हुई है, मम्मा और मामी को दोनों को पीछे बिठा के चलाते हैं। भाई जितनी सैलरी देते हैं ना दुनिया वाले, है ना, बहुत काम करवाते हैं भैया, बहुत ज़्यादा, इतनी सी सैलरी देते हैं, इतनी सी, और पता है हमारी जिंदगी का पूरा टाइम ले लेते हैं, और हमारी जिंदगी का भैया आप जॉब पे लगे हो ना तो भैया ये करना पड़ेगा, जब तक अपनी कंपनी नहीं खोलते तब तक यही करो। जिस दिन आपने अपनी कंपनी खोली, हम कंपनी नहीं खोलेंगे ना, जब हम वायरल होंगे ना तो हम वायरल हो जाएंगे, मतलब जब वायरल होंगे ना तो ये ऐसे बिस्तर में पूरा दिन ऐसे बस लेटे पड़े रहेंगे, कहेंगे अब तो वायरल हो गए, कहेंगे शेफ चाय लेके आओ, पानी लेके आओ, खाना लेके आओ, नहीं पैसा चाहे जितना मर्जी आ जाए, लेकिन शेफ नहीं रखेंगे, नहीं नहीं, बट अपने काम मैं खुद करता हूँ, मतलब अपने काम खुद ही करोगे, या राइट, ये बहुत अच्छी बात हुई। बट मुझे पता है अपन ज्यादा अमीर नहीं बन पाएगा, चलो अपन नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, वैसे नॉर्मल हम लोग आराम से अपनी जिएंगे, बाकी सब आप भी बताइए। जॉब पे जाओ, सैलरी लेके आओ और सूखी रोटियां खाओ बस। ओहो तुम अपने हाथों से चाय बना रहे हो क्या? क्या लगता है? लगता तो यही है भैया, तो फिर सही लगता है। ओले गुड़ है क्या ये? और ये इतना टाइट गुड़ है ना, एक आप गाइस ये देखिए, अबे पत्थर टूट जाएगा, ये इतना टाइट गुड़ है ना, अगर मैं इसे किसी के सर पे मारूं तो सर फट सकता है। सही बात है यार, कहाँ से आए ओरिजिनल? मम्मा लेके आए हैं। अच्छा हाँ। यार मस्त लग रहा है। अच्छा तो बनने जा रही है अभी मस्त वाली चाय, और उसके बाद मलाई एकदम जमी हुई है। सही बात है यार, दिखाना अभी से एक तरफ से हम लोग खाएंगे। क्या रेट है दूध का बताओ, सबको बताइए। दूध का हमारे यहाँ पे जो रेट मिलता है वो 50 रुपीज लीटर है। ये 50 रुपीज वाला लीटर वाला? हाँ ये 50 वाला है, और 54 वाला भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन हम लोग 50 वाला लेते हैं। तो 54 में क्या खासियत होगी? 54 में उसमें ज्यादा फैट होगा। अच्छा तो भैंस का होगा? हाँ, और ये गाय का हो सकता है क्योंकि इसमें शायद थोड़ा कम फैट होगा। ये मेरे ख्याल से 5+ है और वो 6+ होगा। ओके मेरे दादी के घर पे मेरे पास खुद 3-4 हो गए हैं गाय। अच्छा, एक सबसे बड़ी गाय है, ठीक है ना, जो दूध देती है, एक उससे छोटी है वो दूध नहीं देती लेकिन बड़ी सी है,
वो देख, ठीक है ना, हाँ, आफ्टर सम टाइम। और एक उससे छोटा उसका बेटा है, ठीक है ना, और एक अभी अभी न्यू बॉर्न हुआ है बेटा, ओके, बहुत छोटा सा है। उसको उसके लिए जब से वो मतलब जन्म लिया था ना, उसके कुछ दिनों बाद से ही, ठीक है ना, हम मैंने स्पेशली मतलब हमारा आगे ना मंदिर होता है एक बड़म बाबा का, ठीक है ना, बर्ड का पेड़ होता है वहां पे, तो वहां पे बड़म बाबा कहा जाता है। तो वहां पे ना बांस के बहुत लंबे लंबे पेड़ है दूरी पे, तो वहां से ना जाके ना मैं उसके लिए बांस के पत्ते काट काट के दाब से लाता था और उसे खिलाता था, ठीक है ना। अच्छा हाँ, कहानी सुन लिया आपने। अगर कहानी अगर आपको मेरा दिल अच्छा लगा तो कमेंट से जरूर बताइएगा, और मामा को बहुत सारा प्यार दीजिए, इनके चैनल को और बढ़ाइए, इनको बहुत ज्यादा बढ़ाइए, फिर आपके लिए भी बहुत अच्छा। हमने अपने बचपन में ना बहुत गाय को खिलाया, हमने नाना जी के पास गाय थी दूधू, वो कभी कभी वो बच्चा भी होता था तो तीन तीन वो होता था, और इससे मशीन चला चला करके हाथ से ना, और जो पोड़ा जो था वो काटते थे और फिर उसको खिलाने जाते थे, मारबो करती थी, खाती भी थी और मारती भी थी उस मशीन को, जिससे उसके लिए मैं घास भी काटने जाता था, जिसके लिए काटा जिस मशीन से काटा जाता है उसे ऐसे पकड़ लो और उस तरह से आदमी डरते रहेगा और आपको अच्छे करके बस चलाते रहना, मतलब सिक्स पैक बन जाते हैं। कमर की दर्द और हाथों का जो दर्द होता है ना कभी कभार, तो उसमें अगर गलती से हाथ इधर उधर हो गया हाथ कट भी जाता था। कुट कुटा हुआ, कुट कुटा हुआ, वाह, अदरक भी डालेगा लड़का, है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें तीन चार कप कम लग रहे हैं, मुझे चाय इतने में हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, एक एक सेकंड, इस कप से 1.5 कप दूध और 1 कप पानी डाला तो बनेगा नहीं बनेगा, कम हो जाएगा, पक्की गल है, थोड़ा सा और डाल ले, मुंह मत बना। तो और दूध डलवा रहा हूँ मैं इससे, वाह वाह वाह, तो दूध वाली चाय बनवाऊंगा। अच्छा जिम गया था क्या आज? मैं गया था जिम पार्क में। अच्छा क्या किया फिर? जितनी एक्सरसाइज लगी थी 1 घंटा बैठ के सारी कर दी। अच्छा कितने बजे सुबह में गया था? सुबह नहीं 6:30 बजे गया था आपसे बात करने के बाद, शाम को। हाँ ओके, शाम को गया 6:30 बजे और 1 घंटा 7:30 बजे में वहां से फ्री हुआ। अच्छा? सारी एक्सरसाइज आज मैंने 2-2 बार की। गुड फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये है अभी हमारे शाम का क्या नाश्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, सफर कहते हैं यार, अब उनको पता नहीं है सफर कहते हैं क्या कहते हैं, मैं नाश्ता शाम का मुझे याद नहीं रहता। सफर सबसे शुरू होता है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, हाँ, फिर लंच, फिर सफर, और फिर स्पेलिंग क्या, SUPPER, सफर, उसके बाद डिनर। ये होता है, ऐसा करते नहीं, इसको ना आधा छुपा देते हैं, अंजलि आएगी तो बोलेगी सब खा गए क्या, उतनी मेहनत नहीं होगी मुझसे यार, बेचारे का क्या हुआ, उद्घाटन मैं करूंगी। नहीं यार, तो लाना था तो ज्यादा सारा लाना था ना, चम्मच धो के लेकर आइए ना। अब जीजा जी जाएंगे धोने के लिए, जो लाया वो धोएगा, मैं तो हाथ से खा रही थी। यार हमारे फैमिली में तो मर्दों की इज्जत ही कम है, मैं सही बताऊं तो सही कह रहा हूँ अपना, मेरे तो पापा की कभी कम है, मम्मी भी मैं पापा पे चढ़ी हुई रहती, मम्मी देखेगी मम्मी देखेगी बोलेगी तू मेरी बुराई कर रहा था। आपको कैसे बोल रहा है रणवीर पुत्र, तू आंखें, अंजलि ने आएगी तब तक मुझे लग रहा है खत्म हो जाएगा। सही बात है यार, ले मैं भी खाऊं। आ गई, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फोग है, वाओ। कम से कम 7-8 साल पहले रणवीर को गिफ्ट मिला था बर्थडे में उसकी टीचर मैम की तरफ से। क्या बात कर रही है, मुझे नाम मेरे टीचर ने दिया, खूबसूरत है ना, देखो सारे फ्रूट्स बने हुए इसमें, दिस इज बनाना एंड दिस इज ऑरेंज है, वाटरमेलन, ये स्ट्रॉबेरी, सॉरी स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। अंजलि को पाइनएप्पल वाला देंगे, वो कांटे वाली है, कांटे वाले घर से आई है ये, है ना, जल्दी जल्दी खाओ। अभी मनीष में चिकुल कीड़ा गया, क्या हो गया, कीड़ा घोट गई, हे भगवान। अब पता है इसमें कौन सा कीड़ा, नहीं मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन सा कीड़ा होता है, इधर उधर येलो सा कीड़ा होता है, लंबा सा, हाँ मतलब इसमें रेड है ना, येलो हो जाता है, तो जब हम भूत बनेंगे ना तब के आगे पीछे मंडराते रहेंगे, आप कितना कुछ कर लीजिएगा, कोई उपाय नहीं। मामी, अब वो कीड़ा अंदर ही अंदर खाएगा, हाँ। पूरी बॉडी को खोखला निकाल, चीकू निकालेगा तूने, मैंने एक जो पीस खाया है ना, देखो मेरी बात सुनो आप एक बार, मीठा नहीं खाया, खा के देख दीदी, दीदी दीदी एक बार मेरी बात सुनो, खाने देखी तब ये ले वो ले वो ले, चार एक बार मेरी बात देखो, आपके मुंह में कड़वा लग रहा था अभी, मीठा था ना, पूरा खून कर हुआ मैं भी, क्या मीठा नहीं था वो,
सबसे भिक्कार में जिंदगी में ऐसे नहीं खाया है। अच्छा मेरी बात सुनो, मुंह में थोड़ा बहुत कड़वा लगा था। ट्राई करवा रहे हो यार, कसम से देख मैं अच्छा अच्छा खिला रही हूँ, मार दूंगी ये नहीं। कहाँ से खिला? मेरी बात तो सुन लो एक बार, मैं कह रही हूँ मुंह में थोड़ा बहुत कड़वा लगा था उस टाइम। हाँ लगा था थोड़ा बहुत कड़वा, तो वो जब पूरा को आप मसल मसल के खाते हो ना, तो वो कड़वा कड़वा। देखिए कितना प्यार करते हैं सारे, बताइए सब चीज खत्म हो जा रहा हूँ। बता किसका मीठा था? मैं बात बता, पहचान आप लोग नहीं समझे, मेरे मुंह में गया है ना बेटा, वो किसी के ना किसी के मुंह में और जाएगा। क्योंकि मैं फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा डिनर यहाँ पे है, पूरी आसान में आलू गोभी की सब्जी और यहाँ पे है पानी। कौन है? एक अम्मे बोलते जो घर पे घर पे अम्मी नहीं पड़े रहते। तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो चुका है और मेरे को मामा जबरदस्ती अपने साथ लेके चल रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरे को मेरे साथ लेके चलना ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज दीदी के घर पे जाना है और सुबह साइकिल लेके जल्दी भी यहाँ पे आना है, ठीक है ना। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं करके नए ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखें, हम लोग ठीक हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।